वेलकम टू माई चैनल हंग्री गर्ल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज मैं आपके साथ एक पनीर टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो चलिए पनीर टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर को क्यूब्स में कट कर लें, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कट करने। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है और इसके 8 पीसेस किए हैं। अब हम सब्जियाँ कट कर लेते हैं। ग्रीन चिली को स्लाइस में कट कर लें, शिमला मिर्च को स्क्वायर पीसेस में कट कर लें और अनियन को भी स्क्वायर में कट कर लें। अब मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में एक कटोरी हंग कर्ड लिया है। दही को मैंने सूती कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए फ्रिज में हैंग कर लिया था और हंग कर्ड रेडी हो गया। इसे अच्छे से फेंट लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून देगी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। अब चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला वेजिटेबल्स को लग चुका है। अब हम इसमें पनीर क्यूब्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर को भी मसाला लग जाए। पनीर टिक्का कोट हो चुका है। अब इसे 1 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रखें। आप चाहें तो ये प्रोसेस नाइट में कर सकते हैं। ये ओवरनाइट भी अगर फ्रिज में रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम इसे हमें 1 आवर के लिए फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, तभी मसाला अच्छे से लगेगा। 1 आवर हो चुका है और पनीर में भी मसाला लग चुका है। अब यहाँ पर मैंने वुडन टिक्का स्टिक्स ली हैं और पनीर को स्टिक्स में लगाकर टिक्का स्टिक्स रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल्स और पनीर को आगे पीछे करके भी लगा सकते हैं। लीजिए, पनीर टिक्का स्टिक्स रेडी हैं। अब इन पर ब्रेड क्रम्स लगा लें। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये क्रंची बनेंगे। सभी साइड्स में ब्रेड क्रम्स लगा लें। अब हम पनीर टिक्का को रोस्ट करेंगे। एक पैन में बटर ब्रश करें और पनीर टिक्का स्टिक्स को पैन में डाल लें। सभी साइड से इसे अच्छे से रोस्ट करें। चाहे तो लिड लगाकर पकाएं, इससे पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। हर साइड से 2-2 मिनट तक पकाएं। ये देखिए, टिक्का का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। आप इसे किसी भी चटनी और सॉस के साथ ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, ये आप पर है। बहुत टेस्टी, इजी और बहुत ही हेल्दी डिश है। इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। डिश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।